इस समय उपस्थित हैं कांग्रेस कार्यालय बिल्लौर कानपुर नगर में, जहां पर प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती उषा रानी कोरी के द्वारा आज गांधी जयंती के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के अवसर पर, राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर 2 अक्टूबर को यहां पर एक कार्यक्रम आयोजित करके हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किया गया, श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर ये कांग्रेसी जन कुछ कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। इस संबंध में प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी उषा रानी कोरी से बात करते हैं। जी मैडम बताएं। आज हम लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किए और इस देश को आज़ादी दिलवाई थी, हम उनके बताए हुए मार्ग पर युवाओं के साथ आगे बढ़ कर के उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चलें। और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जिस तरह से एक साधारण व्यक्ति थे, उनका काम ही था कि हम देश को प्रगति पर आगे बढ़ा करके और युवाओं को जोड़ करके, महिलाओं को साथ लेकर के, बुज़ुर्गों को साथ लेकर के एक अच्छे देश का निर्माण कर सकें। ये उनका सपना था, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का। देश के कर्णधारों के प्रति आपके विचार प्रस्तुत हुए। आइए हम बात करते हैं कुछ राजनीतिक, कुछ बौद्धिक, कुछ आर्थिक जगत से और अन्य क्षेत्रों में, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। वर्तमान समय में जैसा कि आपको मालूम ही है कि आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उस संबंध में अगर राजनीतिक लोगों से कुछ राजनीतिक बात न की जाए तो शायद कुछ अधूरा होगा। हालांकि अवसर राष्ट्रभक्तों के लिए समर्पित है, फिर भी हम बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो स्वदेश के प्यार के संबंध में आइए कुछ हम बात करते हैं। जी मैडम बताएं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है 2022 का, कितनी सीटों पर आपकी पार्टी प्रत्याशी उतार रही है और क्या कुछ कार्य योजनाएँ हैं, क्या कुछ लक्ष्य उद्देश्य हैं, क्या कुछ कमियाँ आपको महसूस हो रही हैं वर्तमान सरकार के को देख करके? हमारी कांग्रेस पार्टी 403 जो विधानसभा सीटें हैं उन सभी सीटों पर कांग्रेस अपना चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस अपना जमीन स्तर तक संगठन मजबूत करके जल्द ही प्रत्याशी घोषित करेगी। आज जिस तरह से भाजपा की सरकार है, प्रदेश में जंगल राज है पूरी तरह से, हत्याएं, बलात्कार रोज़ घटनाएं हो रही हैं और योगी सरकार पूरी तरह से सोई हुई है। बड़े बड़े मंचों पर आकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज पूरी तरह से ये भाजपा सरकार फेल हो चुकी है। जनता महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। क्या कुछ लगता है कि किन मुद्दों के आधार पर आप आगामी चुनाव में आएंगे और उन मुद्दों के आधार पर, उन आपकी बातों के आधार पर, वायदों के आधार पर लोग आपको चुनेंगे? सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरह से युवा बेरोजगार घूम रहा है और महिलाओं को सुरक्षा, कानून व्यवस्था, इन सब मुद्दों को लेकर के, किसानों के संबंध में मुद्दे लेकर के कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले चुनाव में उतरेगी, जिससे कि जो युवा है उसको नौकरी मिले और किसानों को जो 3 काले कानून है वापस लिए जाएं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी जमीन पर उतर के चुनाव लड़ने का काम करेगी। अभी यहाँ पर हमारे क्षेत्र में एक जघन्य घटना जो हुई है, उसमें विभिन्न प्रकार के लोग आए हैं। क्या लगता है कि उस हमारी बेटी को, बिल्लौर की बेटी को कितने समय तक लवम न्याय मिल जाएगा? ये हमारे क्षेत्र के लिए, बिल्लौर के लिए बहुत ही दुखद बात है और ये जो जघन्य अपराध हुआ है इसके लिए आपकी पार्टी किस तरीके से क्या संघर्ष कर रही है? आज जिस तरह से ये बिल्लौर की बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ है, बर्बरता हुई है, हमारी कांग्रेस पार्टी इस बेटी के साथ में है और बहुत ही दुख भी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय अजय कुमार लल्लू जी कल उस परिवार, पीड़ित परिवार से मिले थे जाकर के। उनकी जो मांगे हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने पूरा भरोसा दिलाया है कि हम सड़क से लेकर सदन तक उनकी मांगों को सरकार के ऊपर पास रखेंगे और मनवाएंगे। जिस तरह से बर्बरता हुई है, जो भी हत्यारा है उसको फांसी की सज़ा हो
कठोर दंड मिले, यही हमारी कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है। उषा रानी कोरी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर हमारे बीच में कुछ और भी कांग्रेसी जन उपस्थित हैं, हमारे बीच में दादा भी उपस्थित हैं, अभी कुछ कह रहे थे, आइए उनसे भी बात करते हैं। ये दादा, हाँ, मेरा नाम शंकर दयाल मिश्रा है, मैं लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में सेवारत हूँ और मैंने तहसील बिल्हौर में तमाम भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन आदि भी यहाँ पर किए हुए हैं। मुझे ये कहना है कि जो ये बिजली की समस्या है, एक बहुत ही गांव में भयंकर समस्या का रूप ले रही है, अक्सर बहुधा, और हम तो ये कहेंगे कि प्रतिदिन, कोई दिन ऐसा नागा नहीं होता जब महिलाएं अपने पतियों के लिए भोजन खाने का निर्माण करती हैं, अबाउट समय रहता है शाम 8 बजे या 9 बजे के बीच, तो कम से कम बिजली आँख मिचौली का काम करती है और 5 मिनट में बिजली आती है और 5 मिनट में बिजली चली जाती है। इस तरह से महिलाओं को बड़ा कष्ट होता है और तमाम महिलाएं क्रोधित होकर के वर्तमान सरकार, सत्ता सरकार को कोसने का काम करती हैं। आदरणीय, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की बिजली की जो आँख मिचौली प्रतिदिन शाम 8 बजे से 9 बजे के बीच होती है, उसे बंद किया जाए। दूसरी बात मैं इसी कड़ी में ये कहूँगा कि आदित्यनाथ योगी के द्वारा ये बार बार डिक्लेयर किया जा रहा है कि जनता की समस्याओं का निस्तारण हो, यदि एक प्रार्थना पत्र, दो प्रार्थना पत्र देने के बाद यदि जनता की समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो हम डीएम और कमिश्नर को निपटा देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने दिन हो गए, तहसील बिल्हौर का मैं निवासी हूँ, तमाम समस्याएं दिन रात अंधेर हो रही है और कानून के खिलाफ तमाम काम दिन दहाड़े हो रहे हैं। और जैसे इसी तरह के, इसी तारतम्य में बताऊँगा कैसे तमाम काम, जैसे कि तमाम खलियान हैं और शमशान हैं और वन विभाग की जगह है, यहाँ दमंगों और गुंडों के द्वारा उनमें कब्जा किया जा रहा है। धारा 132-67 के तहत उनमें किसी तरह का कॉन्ट्रैक्शन, सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, प्राइवेट हो, निजी हो, किसी भी तरह के निर्माण पर रोकथाम है, ये कानून है, लेकिन इस कानून को दरकिनार करते हुए दमंगी लोग और सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग दिन दहाड़े खलियानों में और उस पर कब्जा करवा रहे हैं, और जिसमें स्थानीय तहसीलदार और SDM भी पूरी तरह से इस कार्यक्रम में लिप्त हैं। मेरा आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब ऐसी बातें हैं जो जमीनी बातें हैं, जिसको कोई व्यक्ति, बैठा हुआ व्यक्ति तो नज़रअंदाज कर सकता है, लेकिन जनता नज़रअंदाज नहीं करने वाली। इसलिए जनता की अदालत में जाना ही है सबको, इस बात का ख्याल रखते हुए आशा ही नहीं, विश्वास करते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के दर्द को समझने का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ बिल्हौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।